तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी है दोपहर का टाइम और दोपहर का टाइम देव सो चुका है और मैं लगी हूँ अपने काम में। और साड़ी में फॉल लगाना बाकी था, मैंने ब्लाउज़ तैयार कर लिया है, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज या कल हमें निकलना है, सॉरी कल ही निकलना है हमें गाँव। और गाँव में बहुत सारे फंक्शन हैं, उसके लिए तैयारी भी कर रही हूँ। तो ये हमारा ब्लाउज़ तैयार है, बहुत ही सिंपल रखा है मैंने और डिज़ाइन थोड़ा बहुत देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, और ऐसे ही होते हैं मेरे ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ तैयार है, साड़ी भी तैयार है। तो गांव जाना है हमें कल, तो अभी शाम की तैयारी कर रहे हैं और शाम में भी हमें कहीं निकलना है, तो वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले अपने फेस को थोड़ा बहुत क्लीन करना है। तो यहाँ मैंने ले लिया है कॉफ़ी, कॉफ़ी में यहाँ मैंने हनी डाला है और शुगर डाला है, और शुगर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है ताकि वो मतलब केटे ना, क्योंकि दानेदार वाला, ज़्यादा दानेदार वाला नहीं था। तो उसको मैंने फेस में अच्छे से स्क्रब कर लिया है और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहीं हम तुरंत निकलने वाले हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ हम निकल गए हैं और ये है राहुल किला में, ये न्यू मॉल है, प्लूटोन मॉल देव बोला तो उसके स्कूल से दिखता है। और यहाँ खेलने के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम हैं। तो जिद कर रहा था जाने के लिए पर हमें निकलना था। यहाँ हम आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर, जो है राउरकेला के बसंती कॉलोनी में है। और यहाँ एक छोटी सी पार्टी थी, एक नन्हा मेहमान आया हुआ था, एक मतलब हमारे जो हस्बैंड हैं उनके दोस्त के यहाँ, तो उनका आज 21 डेज था, तो उसके लिए उन्होंने पार्टी अरेंज की हुई थी। तो हम वहाँ गए थे और यहाँ बहुत ही अच्छा मतलब जगह में चुने थे पार्टी के लिए, और यहाँ सब चीज़ का व्यवस्था था। और मंदिर खासकर बहुत ही सुंदर था, और राउरकेला में होते हुए बहुत ऐसी जगह है जिस जहाँ मैं नहीं देखी हूँ और देखने लायक है। और ये मंदिर ना ओवर ब्रिज है, उसके नीचे बनी हुई है, और ये जो पहिया दिख रहा है ना, ये है जगन्नाथ जी, जो रथ यात्रा होती है ना, हमारे रथ यात्रा के एक पहिया यहाँ लाया गया है। तो वहाँ लिखा भी हुआ था जो मैंने अच्छे से शायद कैप्चर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर सब कोई आ रहे थे यहाँ पर, यहाँ न्यू बॉर्न जो बेबी है वो रखे हुए थे उनको, तो सबसे मिले जगन्नाथ भगवान जी का भी दर्शन किए। उसके बाद दर्शन करने के बाद ये है ओवरब्रिज, उसके नीचे बनाया गया, और इतना सुंदर डिज़ाइन बना हुआ था ना, लग ही नहीं रहा था मतलब उसके नीचे बना हुआ। थोड़ा सा रख लीजिए। तो
तो यहाँ हमारा डिनर थाली तैयार हो गया है और लेके हम आ गए हैं, और बहुत ही टेस्टी थी। और कौन बोलता है नो अनियन नो गार्लिक, और कम मसाले में खाना अच्छी नहीं बनती है। बहुत ही टेस्टी थी। और ये तो पूरा तालाब है ना? तो ये राउरकेला का डीएवी पॉन्ड है, और बहुत बड़ा ये तालाब है, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। तो इसको हम बाइक से ही देख के आए, क्योंकि रात हो चुकी थी, 9:30 आसपास हो चुका था, तो अंदर तो जाने मिलेगा नहीं। तो हम बार बार से ही देखे, और बहुत ही खूबसूरत डीएवी जगह है। पॉन्ड, वाह इतना सुंदर लग रहा है रे। मैंने एक गाड़ी से ही घूम सकते हैं बस। तो तालाब तो ही है, नदी है, नदी नहीं है, तालाब है। तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो रहते हुए राउरकेला में हम नहीं देख पाते हैं, तो आज देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में राउरकेला रात में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।